राम राम दोस्तों। दोस्तों एक सवाल खूब चर्चा में है, 2024 के चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन एक अकेला सब पे भारी, अकेला शेर लड़ रहा था, पीछे गिद्धों का झुंड इकट्ठा हो रहा था। एक सवाल चर्चाओं में है, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर चौंकाने वाले फैसले हुए, इंडिया अलायंस ने मजबूती से चुनाव जीतने की कोशिश की। सामने बीजेपी के जो लोग हैं और साथ ही जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सवाल चर्चा में है, एक अकेला सब पे भारी, पीछे सभी चोर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ चुनाव लड़ रहा था एनडीए, दूसरी तरफ चुनाव लड़ रहा था इंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था और 10 सालों का रिकॉर्ड उनके पीछे जुड़ा था, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का चेहरा था, जिसमें किसान आंदोलन को जोड़ा गया, राम मंदिर को जोड़ा गया, अग्निवीर या अलग अलग जो जो फैसले हुए उन सब को जोड़ा गया। चुनाव के नतीजे भी इंडिया अलायंस के पक्ष में आते नजर आए। लेकिन जिस सवाल की हम बात कर रहे हैं, एक अकेला सब पे भारी, तो कैसे एक अकेला सब पे भारी है, क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, इस लोकसभा चुनाव के अंदर क्या बीजेपी ने अकेले 543 सीटों पे चुनाव लड़ा, या फिर गठबंधन की सरकारें बना रही थी। एक तरफ देखा जा रहा था कि इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस के अलावा अन्य दल शामिल थे, उनकी पार्टी में जो थे इंडिया ब्लॉक के अंदर 37 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो क्या इसी वजह से इंडिया अलायंस को यह कहा जाता था कि एक तरफ नरेंद्र मोदी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है और सामने 37 पार्टियों का एक झुंड चुनाव लड़ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच्चाई है, दोस्तों ताजुब होगा आप लोगों को, हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये चुनाव संपन्न हुए थे। इंडिया अलायंस के अंदर देखा जाए तो 37 पार्टियों का गठबंधन था और एक नारा दिया गया था, लोकतंत्र बचाना है, और लोकतंत्र बचाने के नाम पे और साथ के अंदर किसानों के साथ में जो दिल्ली की बॉर्डरों पे उनके साथ अत्याचार हुआ था, उन सबको लेके वो चुनावी मैदान में थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिजल्ट भी उनके इर्द गिर्द ही आया। लेकिन दूसरी तरफ जिसको एक अकेला शेर कहा गया वो कौन है, क्या नरेंद्र मोदी अकेले चुनाव लड़ रहे थे, तो इस सवाल का जवाब आपको नेशनल मीडिया नहीं देगा। नेशनल मीडिया ने तो 400 पार के दावे किए थे लेकिन 240 सीट लेके आई थी, 240 सीट एक अकेले शेर की जिसकी बात हो रही थी, एक अकेले की 240 आया था। इनके अलावा अगर हम एनडीए ब्लॉक की बात करें तो 292 सीटें उन्होंने जीती है। अब एनडीए ब्लॉक क्या है समझिए इसको, आपको बता देते हैं कि भाजपा संप्रत जो गठबंधन है यानी जो इनका संगठन है वो एनडीए के नाम से जाना जाता है और कांग्रेस के साथ वाले इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडिया गठबंधन के अंदर 37 पार्टियां हैं और भाजपा गठबंधन वाले एनडीए के अंदर 41 पार्टियां हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन से 4 पार्टियां अधिक है। तो कहां एक अकेला होता है और कहां झुंड होता है, देखिए आप समझिए इस चीज को। इसी के इर्द गिर्द चुनावी जो रिजल्ट आए थे सबको चौंका दिया, यूपी ढह गया, राजस्थान ढह गया, महाराष्ट्र ढह गया और कई ऐसे राज्य, हरियाणा ढह गया, पंजाब ढह गया, जिसमें बीजेपी को लीडें मिल रही थी, बीजेपी को एक तरफी सीटें मिल रही थी, एनडीए को एक तरफा जीत मिल रहा था। वहां पे इस बार जो किसान आंदोलन हुआ था उसको लेकर, किसान आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे उन सब ने इतनी मेहनत की कि वहां पे एनडीए को मुश्किलें पैदा कर दी, यूपी को गढ़ माना जाता था, यूपी के अंदर इतनी हालत खराब कर दी कि कहां 62 सीट लेने वाली पार्टी
33, 34, 35 सीटों पे अटक जाती है। कहां गया आपका रोल मॉडल, जिसमें आप लोगों ने कहा है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने बना दिए, इतने विकास कर दिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक अकेले के बारे में कौन कहते हैं, यानी जो 2014 के बाद में जन्मे है वही लोग। यानी जन्मने का मतलब क्या है, जो अंधभक्त है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पहले 400 पार का नारा दिया गया और जब 250 पार नहीं कर पाए तो एक माहौल बनाने की तैयारी की गई कि किसी न किसी प्रकार से हम अपना पल्ला झाड़ के निकल जाए। और पल्ला झाड़ने का मतलब आप समझ सकते हो कि इंडिया अलायंस ने जो 233-235 के लगभग सीटें जीती है, वही जो एनडीए ने है 292 सीटें जीती है। बहुमत के लिए 272 सीट होना जरूरी है, इसलिए केवल बीजेपी को सीटें मिली है 240। इस माहौल को, 400 पार वाले माहौल को घुमाने के लिए, लोगों के अंदर एक अलग मैसेज देने के लिए यह कहा गया कि कहा एक अकेला शेर चुनाव लड़ रहा था, पीछे पूरे गिद्धों का झुंड चुनाव लड़ रहा था। अब दोस्तों इस चीज को आप लोगों को स्वीकारना है। आप लोग गूगल की वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हो कि एनडीए गठबंधन में कितनी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी और इंडिया गठबंधन में कितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, आपको मालूम चल जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं पे विराम देते हैं, और भी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो लेके आएंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग दोस्तों सर्च करते रहना, लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र जो खतरे में है उसे हमें बचाना है। धन्यवाद दोस्तों।